ओके सो हेलो किड्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? एकदम मस्त होंगे, एकदम मज़े में होंगे क्योंकि घर पे होंगे, बिल्कुल। साथ ही साथ गेम तो खेल ही रहे होंगे और बीच में कहीं पे टाइम मिल रहा होगा तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे। लेकिन बेटा, क्या आपको नहीं लगता कि यार इन सब चीज़ों में आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट जाएगी, कहीं ना कहीं रुक जाएगी? ठीक है, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब आप पूछोगे, सर कैसे कैसे आप ऐसा नहीं होने दोगे? तो बेटा, हम आप लोगों की ये खास समस्या, जो जिसको हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है, ये खास प्रॉब्लम को देख के एक नया चैनल ला रहे, एकदम ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव मस्त और जोरदार चैनल, जिसका नाम है अनएकेडमी जस्ट 9th एंड 10th। चैनल खुद बता रहा है कि जस्ट 9th एंड 10th। हाँ, अब क्यों? 9th और 10th में बेटा बहुत सी दुविधा होती है, ठीक है। मैंने खुद 11th 12th के बच्चों को मेंटर किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, 9th 10th के बच्चे, 11th 12th के बच्चे क्या होते हैं पता है? 9th 10th के बच्चों को पहले ही कन्फ्यूजन होता है, आप लोगों को पहले ही कन्फ्यूजन होता है, सर NTSC करूंगा या नहीं करूंगा, सर बोर्ड्स में क्या करूंगा, कैसे करूंगा, सर मुझे ये नहीं पता सर कि मुझे ए ग्रुप रखना चाहिए, बी ग्रुप रखना चाहिए या सी ग्रुप रखना चाहिए। अब आप बोलोगे, सर आप तो नई चीज ला रहे हो, सी ग्रुप क्या होता है भाई? सी ग्रुप मतलब बेटा क्या, सी ग्रुप मतलब कॉमर्स। समझे कि नहीं? ठीक है, अपनी पूरी अलग लेवल की, पूरी अलग लेवल पे चलता है अपन, पूरा एकदम बोलते हैं ना कि अलग लेवल पे चीजें करते हैं अपन लोग, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बहुत अपना ज्ञान भी दूंगा, आप मुझे थोड़ा बहुत अपना ज्ञान देना, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के एडू फ्रेंड बन के साथ ही साथ हाथ में मिल के चलते जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और हमें भी आप में से कुछ नई नई चीजें सीखने मिल जाएगी। न्यू जनरेशन के पास से न्यू चीजें सीखनी भी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जो, ठीक है, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुविल मेहता, ठीक है, मैं अहमदाबाद बेस्ड टीचर हूं, ठीक है। मैंने लास्ट 2.5 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैंने बहुत सारी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में काम किया हुआ है, मोर देन 1500 स्टूडेंट्स को मेंटर किया हुआ है, मेंटर से भी ज्यादा मैंने मोर देन 1500 लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनाए हैं कि जो मुझसे सीखते हैं और मैं उनसे सीखता हूँ। मेरे को मतलब मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस, न्यूज़पेपर्स और ब्लॉग्स, और वहाँ पे एज अ यंग एंड इनोवेटर टीचर के लिए जाना गया। लास्ट ईयर मतलब कि अभी जो बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने 100 और 100 स्कोर करके साइंस में एक नया अचीवमेंट गेन किया, ठीक है। तो ये मेरी थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी, लेकिन अभी आपके लिए क्या, आपके लिए क्या, हम, मैं मतलब आप लोग और मैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों जो है वो पढ़ाई करने वाले, बिल्कुल सी बात है, ठीक है, कि हम लोगों को पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सर हम क्या करेंगे? अब इस चैनल में ये चीज कुछ नहीं आ रही है कि पढ़ाई तो सर सब करते हैं, बहुत प्रॉपर करते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अपन का पूरा लेक्चर का जो फॉर्मेट होगा ना, वो बिल्कुल आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, पहले तो ये बता देते हैं अपन लोग कि अनएकेडमी जो है, नाम से ही पता चल गया, आप तो ये मतलब बोल देते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है कि भाई अनएकेडमी मतलब इनोवेशन, अनएकेडमी मतलब रिवॉल्यूशन, अनएकेडमी क्या कर रहा है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स ला रहा है, ऑनलाइन के अच्छे टीचर, ऑफलाइन के अच्छे टीचर, ठीक है, चुन चुन के टीचर्स ला रहा है, ठीक है, कि भाई अच्छे टीचर्स कहीं रह ना जाए, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स को चाहिए अच्छे टीचर्स। और एक बात हमेशा याद रखना, टीचर्स प्लस टेक्नोलॉजी, टीचर प्लस टेक्नोलॉजी हो जाता है टीचोलॉजी। कम ऑन, फिर से ध्यान से सुन लेना, टीचर प्लस टेक्नोलॉजी हो जाता है तुम लोगों का टीचोलॉजी। और जिसको टीचोलॉजी मिल जाए ना बेटा, उसको दुनिया में 21st सेंचुरी में अमृत मिल गया, ठीक है, क्योंकि आज नॉलेज बहुत है, नॉलेज बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन अपने अंदर कम है, कम है, कम है, अपन को ऐसा लगता है। दुनिया में नॉलेज बहुत है, अपने अंदर कम है। इसको अब बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा रूम होता है, उसमें अंधेरा होता है, तो छोटी सी जो तिल्ली होती है वो भी बहुत काम आ जाती है। तो आपकी लाइफ में छोटे से छोटी चीजें भी बहुत काम आने वाली, और यहाँ पे तो इतने यंग, डायनामिक, एकदम कह सकते हैं ना कि चुन चुन के टीचर्स लाए, अगर अपन देसी भाषा में बोले तो पकड़ पकड़ के, चुन चुन के हम लोगों को चुना गया है, ठीक है, कि भाई अच्छी चीजें चाहिए, हमको अच्छी चीजें चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छी चीज डिलीवर करनी है। तो फिर इसके लिए तो पहले हम सबको अनएकेडमी को थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात,
अब चैनल की बात करते हैं भाई, कैसे वीडियो लेक्चर सर आप प्रोवाइड करोगे, मतलब कैसे आप वीडियो लेक्चर्स दोगे? तो बेटा हम जो है, ठीक है, मतलब कैसे सर अपन के लेक्चर्स होंगे? तो बेटा अपने लेक्चर्स कुछ इस तरह से होंगे कि पहले हम लोग आपको थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत क्विज आपको उसी लेक्चर में देंगे, लाइव क्विज होगी, लाइव टेस्ट होगी, ठीक है, उसी लेक्चर में मिल जाएगी। मतलब जो पढ़ा उसी को पहले प्रैक्टिस करो, लर्न टू एग्जीक्यूट, हमेशा याद रखना, लर्न टू एग्जीक्यूट, ठीक है, लर्न करो लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना सीखो, उसको प्रॉब्लम बनाना सीखो, उसका आंसर लाना सीखो, ठीक है। और जिस बच्चे को प्रॉब्लम और डाउट नहीं होते उसका सिलेक्शन नहीं होता। मैं हर बार बोलता हूं कि प्रॉब्लम और डाउट्स होने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ओ अब आप लोग बोलोगे कि सर इतनी अच्छी अच्छी आप बात कर रहे हो, कैसे देखेंगे हम आपको, कैसे सुनेंगे हम आपको, कैसे लर्न करेंगे आप जैसे बहुत सारे टीचर्स से। सबसे पहले तीन स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो अभी कहीं नहीं जाना है। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए आपको लगा अभी जाना है, नहीं ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए फटाफट से अनअकैडमी का एक प्ले स्टोर, तो आप सब जानते हो, तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना, अब बोल दिया, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप करके एक ऐप होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोग क्या करोगे, डाउनलोड, अपलोड मत करना, तुम लोग कैसे करोगे वो तो हम करेंगे, ठीक है। तुम क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, वो डाउनलोड हो जाए तुम लोगों का अनअकैडमी ऐप, उसके बाद क्या करोगे, उसको इंस्टॉल, मतलब डाउनलोड कर लिया उसको इंस्टॉल कर लिया, बाद में सर क्या करेंगे, बाद में कुछ नहीं करेंगे, बाद में अपन लोग जो है सीधा अपने गोल्स की तरफ जाएंगे। 21st सेंचुरी में गोल्स ही सब कुछ है बेटा, ठीक है। अच्छे गोल्स होने चाहिए, बड़े गोल्स होने चाहिए, ठीक है। सपना ऐसा देखो कि आजू बाजू वाले हंसने लगे और पूरा हो तब तुम हंसने लगो, ठीक है। सपना ऐसा देखो कि आजू बाजू वाले हंसने, ड्रीम बिग, बिगर, बिगेस्ट, कभी कम या अपने आप को कम मत आंकना, अपने आप को छोटा ड्रीम मत देखना, बड़ा ही ड्रीम देखना। मैं तो यार एनटीएससी में फुल लाऊंगा, मैं तो जेई ऐसे क्लिक करूंगा, मेरा टेंथ का बोर्ड तो ऐसे होगा, मेरा नीट तो ऐसे निकल जाएगा। जब अपन पेपर देके, पॉजिटिविटी बेटा दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खराब चीज को भी बोलते हैं ना कि अमृत, अच्छा बना देती है। तो यार पॉजिटिव रहो, फ्री में है ना पॉजिटिविटी, कहां उसके पैसे है यार तुम लोगों को, ठीक है। तो फ्री में है तो अच्छे रहो। चल अब अपने गोल्स पे आ जाते हैं, आपका गोल्स बट ऑब्वियसली ये चैनल देख रहे हो तो 9th और सीबीएसई क्लास 10th। अच्छा, इसको एनसीईआरटी वाले बच्चे दे सकते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक फॉलो होती है, तो आप सीबीएसई से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो आप, ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, तो कि भाई आप अगर एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए तो भी सूटेबल है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि सर हमें आपसे पढ़ना है, कैसे पढ़ सकते हैं, हमें आपसे ज्यादा इंटरेक्ट करना है, हमें आपसे ज्यादा लाइव क्विजेस पूछनी है, डाउट्स पूछने हैं, आपकी क्विजेस देनी है, आपकी टेस्ट देनी है, आपसे इवोल्यूशन चाहिए, मतलब इवोल्यूशन चाहिए, तो कैसे, खुद का इवोल्यूशन करवाना है तो इवोल्यूशन करवाना पड़ता है, ठीक है। इवोल्यूशन इज द रूल ऑफ संसार और इवोल्यूशन इज द रूल ऑफ ध्रुविल सर। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा प्लस का सब्सक्रिप्शन। सर अब वो तो बहुत महंगा होगा यार, आप कहाँ, मतलब क्या आप भी सर पीछे पड़ो, नहीं बेटा तू सब्सक्रिप्शन ले ले, इसकी बाद वाली स्लाइड में मैं तेरे को बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन कितना, चौक गए एड याद आ गई टीवी की, ठीक है। अलग अलग मतलब है, ठीक है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है सब्सक्रिप्शन प्लान, और 12 मंथ्स का आपको मतलब बहुत ही कम दाम में मिल रहा है, दैट इज 938 रुपीस पर मंथ, जिसका मतलब है कि यार इससे ज्यादा तो अपने मोबाइल का बिल है, ठीक है। इससे ज्यादा तो तुम लोग वो जो गेम्स खेलने के लिए जो नेट का रिचार्ज करवा दे तो कभी कभी वो महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो बेटा 12 महीने के लिए कुछ हो जाता है अमाउंट 11,250। ये एक सब्जेक्ट का नहीं है, सोचा था ना कि ये एक सब्जेक्ट का, नहीं बेटा ये एक सब्जेक्ट का नहीं है, इसमें सब कुछ मिलेगा, मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मतलब जो भी, गुजराती तो नहीं, मैं गुजराती हूँ, अहमदाबाद गुजराती, प्राउड गुजराती, बराबर। तो सारी चीजें मिल जाएगी, बराबर, सारी चीजें ए टू जेड, बराबर।
ग्रेट। आप बोलोगे सर सारा सब्जेक्ट सब कुछ मिलेगा कैसे? ऐसे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो, मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सब गोल्स चूज करो, हमारी क्लास आप देखिए, उसके बाद आप चूज करिए भाई नहीं अभी अपन को लेना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं। और आपको दूसरी कहीं जगह पे कुछ भी करने की, कहीं पे भी दौड़ लगाने की, कहीं पे भी वैन में, रिक्शा में, बस में जाके 5-10-15 मिनट बार खड़े रह के, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने टैबलेट पे सीधा देखिए, हमें लाइव, हमसे जुड़िए और मजा करिए। ठीक है, पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है, 12 मंथ के 11,250 रुपीज है अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, ठीक है, जो कि है ध्रुविल। वैसे मुझे, मेरा नाम ध्रुविल मेहता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो मेरा नाम है ध्रुविल। ये कोड आप यूज करते हो तो आपको अच्छा खासा एक डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, देखो सबसे पहले तो आपको मैं बताना ही भूल गया बातों बातों में कि मैं साइंस का फैकल्टी हूँ। ठीक है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? साइंस। आप बोलोगे सर आप साइंस पढ़ाने वाले हो, आप तो यार बातें इतनी मस्त करते हो, हमें लगा यार कोई लैंग्वेजेस पढ़ाओगे। नहीं, साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस एक लैंग्वेज है, साइंस एक लैंग्वेज है, साइंस इज अ लैंग्वेज। एक चीज हमेशा याद रख देना, ठीक है, ये लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है पता है? लैंग्वेज इज एन आर्ट एंड आर्ट कैन बी मास्टर्ड, विच मीन्स साइंस कैन बी मास्टर्ड। ठीक है, तो साइंस को हम मास्टर कर सकते हैं, साइंस को हम समझ सकते हैं, साइंस को विजुअलाइज कर सकते हो, रट सकते हो, समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट बना सकते हो, लेकिन साइंस को फील कर सकते हो। बाल खींच लो, साइंस फील हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा चलो, कौन सा रिएक्शन, मतलब ओ सॉरी केमिस्ट्री का टीचर हूँ, साइंस का टीचर हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सुन लो फिर से। चैप्टर नंबर वन क्या शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर वन आपकी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर वन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। क्या शुरू कर रहा हूँ बेटा? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन, सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्या होता है सर केमिकल रिएक्शन? रिएक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है? रिएक्शन ही रिएक्शन है, जो सॉल्यूशन मिला तो पता नहीं रिएक्शन क्या था, बराबर है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो बड़ा केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जो हमारे आजू बाजू सारी जगह हो रहा है। आप सुन रहे हो उसमें हो रहा है, आप देख रहे हो उसमें हो रहा है, आपके दिमाग में केमिकल लोचा हो रहा है। अगर आप 9th-10th में टीनेज में हो तो आपके बहुत सारे केमिकल लोचे होते हैं। आप हंसो मत, मन ही मन में मत हंसो, जोरदार हंस दो, पॉजिटिव हो जा, ठीक है। ये सारी चीजें, आपकी मम्मी अगर यहाँ अभी खाना बना रही है, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कब लेक्चर देख रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन है। आपका भाई अगर कोई गेम खेल रहा है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन है। आपके पापा अगर नोट गिन रहे हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन है। सारी जगह पे, आपकी दादी अगर माला कर रही है या भगवान की सेवा कर रही है या भगवान का नाम ले रही है, पाठ कर रही है, सारी जगह, लिविंग नॉन लिविंग, ऊपर नीचे, यहां वहां ऊपर, सारे जहां में केमिकल रिएक्शन होता है, एवरीवेयर केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन होता क्या है केमिकल रिएक्शन? मतलब अब तो दिमाग फिर गया कि ये इतनी सारी, बेटा इतनी सारी जगह पे सर अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो अब बता भी दो यार क्या होता है केमिकल रिएक्शन। चलिए जानते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। ओ पहले मुझे आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है, कि भाई केमिकल रिएक्शन एक साइकिल के हिसाब से चलता है। अब कैसे साइकिल के हिसाब से चलता है? मैं एक आपकी पूरी लाइफ जो है, एक दिन है आपका, वो आपसे मांग रहा हूं। सुबह आप उठे मॉर्निंग में, अच्छा, आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे सर इतने खराब हैंडराइटिंग, बेटा अभी तक बोर्ड में लिखने की आदत थी ना, हम इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, हम इवोल्यूशन स्टेज पे, तो 2-3 दिन के बाद देखना, 7-8 दिन के बाद देखना बेटा, यहाँ से मोती निकलेंगे, राइटिंग में से मोती आएंगे, ठीक है। चलो, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का आपका दिन है, पूरा दिन मैंने आपसे ले लिया, ठीक है। मॉर्निंग में उठे, ब्रश किया, मॉर्निंग में उठे, ब्रश किया, ठीक है। ब्रश किया किससे किया? टूथपेस्ट से किया। केमिकल रिएक्शन मतलब किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है भाई
केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, आयन से बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा। अच्छा चलो आगे जाते हैं सर, थोड़ा ब्रश कर लिया सुबह सुबह उठ के, कभी बेटा तो किया ही होगा, बस भी थोड़ी बहुत आती ही होगी। तो अपना जो हमको बोलते हैं, पता है सुबह सुबह उठ के कभी ऐसे मतलब बिना ब्रश किए मत कुछ खाया मत करो, कुछ पिया मत करो, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और एक तो हम लोगों की स्मेल, ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि रात को भी हमारी बॉडी जो होती है हमारे मुंह में केमिकल रिएक्शन करती है। कम ऑन, क्या बोल रहा हूँ, हमारे मुंह में भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तेरे और मेरे मुंह में। किसी और को मत बताना, किसी और को मत समझाना, कहाँ हो रहा है रिएक्शन? मुंह में, ठीक है। तो अब कभी सुबह उठो और किसी को भी, मतलब कि पापा मम्मी दादा दादी बुआ फई किसी को भी देखो कि भाई वो बिना ब्रश किए बैठा हुआ है या कुछ खा रहा है या फिर कुछ पी रहा है, ठीक है, तो उनको बोलना अरे रहने दो, ऑलरेडी आपके मुंह में रात को ही केमिकल रिएक्शन हो गए थे, ध्रुविल सर ने बोला है, ठीक है, आप सुबह और केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। तो मॉर्निंग से लेके नाइट ब्रश किया, केमिकल रिएक्शन हुआ। फिर नाश्ता करते हो तो नाश्ता बनता है तो फूड बनता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, फूड च्यू होता है डाइजेस्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, फूड एक्सक्रीट करते हो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। ये संसार, सुन लेना हा, मैं साधु नहीं हूं, ये संसार में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, मेरे साथ करते जाना। मैं ये मानता हूं कि साइंस एक बॉडी वाली लैंग्वेज है ना, तो बॉडी से पढ़ो, ठीक है। तो भाई सुबह उठे, नाश्ता किया, ब्रश किया, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ब्रश किया, नाश्ता किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद तुम लोग को भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। फिर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है सर, फिर थोड़ा खाना खा लिया यार, अभी खाने के लिए तो अपन जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते, ठीक है। हाँ मेरा तो यही, आपका पता नहीं, ठीक है। तो वहां पे भी सर केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर सो गए, वहां पे भी केमिकल रिएक्शन, मतलब माइंड में चल रहा है थोड़ा आपका, ठीक है, मुंह में चल रहा होगा, ओके। फिर शाम को उठे, चाय बाय पी, केमिकल रिएक्शन हुआ सर। फिर रात को खाया, केमिकल रिएक्शन हुआ। बेटा आप अगर सुबह बेड में से पैर नीचे रखते हो तो रात को आप जब जाते हो तब तक सारी जगह पे कहीं ना कहीं लिविंग चीज नॉन लिविंग चीज में आप अगर सोचोगे, अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लोगे, देखो हम बहुत ही बिजी हो गए, हम लोग बहुत ही क्या है कि बिजी वर्ल्ड में जी रहे, ठीक है, हमारे पास सांस लेने का ही टाइम है, ठीक है, हमारे पास सांस लेने का ही टाइम है, उससे ज्यादा टाइम नहीं। आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा वो सैंडविच खाते हैं दोपहर को, क्यों? क्योंकि सर मुझे नींद ना है, मुझे पावर नैप ना लेना पड़े, दैट इज नॉट अ गुड थिंग ना। अगर मेरा कहने का मतलब क्या है, आज मैं एक क्लास में बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इमेजिन करने जाऊँ तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर, अरे ऑक्सीजन सिलेंडर क्लास में कहाँ से होगा, यहाँ पे जो वो रेड कलर का सिलेंडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां जहां पे कहीं ना कहीं केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहां वहां पे चीजें मिलने वाली है, ठीक है, वहां वहां पे रिएक्शन होने वाले हैं। तो एक क्लास में एक सिंपल जगह से बैठे हुए भी अगर मुझे व्यू आ जा रहा है तो आपके पास वर्ल्ड में इतनी बड़ी जगह है, आपके पास वर्ल्ड में इतनी सारी जगह है, ठीक है। आप अगर पार्क में हो, आप गार्डन में हो, पार्क और गार्डन थोड़ा अलग रहता है, ठीक है, पार्क में हो, गार्डन में हो, फ्लैट में हो, घर में हो, जिम में हो, आप अगर अभी मुझे देख रहे हो तो सारी चीजों में बेटा केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी मिलनी थोड़ी आप लोगों के लिए भी, मैं इसीलिए अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा आप उस पे फोकस करिए, आप समझिए, आप लास्ट तक अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन अच्छा इस तरह से होता है। आज एक गेम भी जो तुम लोग खेलते हो, ठीक है, आज एक गेम भी अपन लोग खेलते तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। अगर आपके दिमाग में किसी की सोच आ रही है, लड़का हो या लड़की, समझ रहे हो, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। बेटा बहुत सारी चीजों में, अलग अलग चीजों में केमिकल रिएक्शन होता है। चलो आ जाओ, केमिकल रिएक्शन अराउंड अस। सुबह उठ के मॉर्निंग में आपकी मम्मा आपको या मम्मी या दादी आपको दूध देती होंगी, ठीक है, कि भाई तू दूध पी ले। अच्छा,
अब आपने सुना होगा कि भाई हम तो अमूल का दूध लेते, पेस्टराइज्ड मिल्क लेते हैं, ठीक है, कि भाई वो इतनी जल्दी बिगड़ नहीं जाता, 2 दिन के बाद बिगड़ता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको एक एक्सक्रीट टेम्परेचर पे रखा, एक ज्यादा टेम्परेचर पे मैंने रखा, जिसकी वजह से क्या है कि उसमें जो बैक्टेरियल ग्रोथ है वो कम हो जाए, या फिर अगर बैक्टेरियल ग्रोथ हो तो वो बड़े टेम्परेचर स्केल तक भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो भाई आप तो, अरे यार हम तो ताज़ा मिल्क लेते हैं, हम तो सही मिल्क लेते हैं, फिर भी आपके मम्मा या दादी या आपके घर में जो भी है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो मिल्क को गर्म करने के लिए गैस पे रखेंगे, ठीक है, सुबह सुबह मिल्क को गर्म करने के लिए गैस पे रखेंगे, क्यों, क्योंकि मिल्क खराब ना हो जाए, उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह अपन जब मिल्क लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होती है सर। अब कैसे होती है भाई केमिकल रिएक्शन की शुरुआत सुबह सुबह मिल्क लेते हैं वहां से, तो कि भाई ये मिल्क जो है सर वो फट ना जाए, वो स्पॉइल ना हो जाए, वो स्टेल ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, ठीक है। तो हाँ, कैसे खराब होगा, कैसे स्पॉइल होगा बेटा, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। अच्छा, अब हम लोग इंडिया से है तो हम उसका पनीर बना देते हैं, कहीं कहीं पे उसका घी बना देते हैं, कहीं कहीं लोग उसका मतलब अलग अलग बहुत सारी वैरायटी होती है, पनीर हो गया, घी हो गया, टोबू हो गया, ये सब चीज़ें बनाते रहते। अब इंडिया में सब इतनी बड़ी कंट्री है तो एक्सपेरिमेंट तो हम लोग करके ही, साइंटिस्ट करके चीज़ें, ठीक है, तो कर देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई सर मिल्क में से कर्ड भी बनता है, तो ये भी एक टाइप का रिएक्शन है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज एंजाइम जो होती है वो बनाता है। अब बोलोगे सर आप तो पीछे पड़ गए हो यार, सुबह मिल्क जो है वो हम लोग पी रहे तब को भी आपको केमिकल रिएक्शन दिख रहा है। बिल्कुल बेटा, मुझे वहां से केमिकल रिएक्शन दिखना शुरू हो जा रहा है कि भाई आपके मम्मा जो गैस पे मिल्क रखते हैं फिर उसको ठंडा होने देते हैं, आपके मम्मा अगर वो मिल्क खराब हो जाए तो पनीर या घी बना देते, जो कंपनी में से आता है जो मिल्क आता है वो पेस्टराइज्ड होता है। आप देखे हो तो फ्लेवर्ड मिल्क आना शुरू हो गए हैं वेरियस कंपनी के, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने की एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। तो क्या है ये सब कुछ, हमने एक मिल्क जैसी सिंपल प्रोडक्ट को अलग अलग रिएक्शंस करवा के, अलग अलग केमिकल्स का यूज करवा के, अलग अलग एंजाइम्स का, अलग अलग बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल नहीं होता, याद रखना, बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा छोटा नहीं होता, याद रखना, बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल नहीं होता, और कम ऑन सुन लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा इतना छोटा नहीं होता, ठीक है, उसको साइज में भले वो छोटा होता है, काम बड़े बड़े निकाल देता है, काम बड़े बड़े कर देता है। हम बोलते हैं छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ठीक है। तो ये वाली केस है। तो बेटा सुबह उठ के जो मिल्क हम लोग ने शुरू किया, मैंने कहानी मिल्क से, याद रखना मैं खत्म करूंगा ये कहानी करोड़ों रुपए के लॉस से, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सुबह मैंने मतलब मिल्क से शुरुआत की है, मैंने किससे शुरुआत की है, मिल्क से, और खत्म मैं ये कहानी करूंगा, ये चैप्टर करूंगा करोड़ों रुपए के लॉस से। अब देखना है, समझना है तो पूरी सीरीज देखते जाना, ठीक है, करोड़ों रुपए का ज्ञान यही मिल रहा है, ठीक है, कैसे बचाना है करोड़ों रुपए को। हाँ, इस वीडियो के एंड में नहीं, ठीक है, इस सीरीज के, चलो इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करोड़ों रुपए का नुकसान दुनिया में से बचा सकते हो, और वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को 90% मैं बोल रहा हूँ 90% लोगों को ये चीज नहीं मालूम होगी, लेकिन मैं आपको एक गुरु वचन दूंगा कि जिससे कैसे करोड़ों रुपए का चीज है वो बचाई जा सकती है। वो महाभारत के टाइम पे भी होता था, वो अभी भी हो रहा है, और वो आज से 500 साल बाद भी होगा, ना आप ना मैं ना कोई इस रिएक्शन को रोक सकता, इस सृष्टि में होने वाले रिएक्शन को रोक पाएगा, ठीक है। तो याद रखना, सुबह के 20 रुपए के मिल्क से लेके करोड़ रुपए की सिल्क, सिल्क तो नहीं क्या यार, थोड़ा बहुत इन दे दिया, ठीक है, तो 20 रुपए के मिल्क से लेके करोड़ रुपए की डैश 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 के ज्ञान जो है वो आपको इस लेक्चर में मैं दे दूंगा, ठीक है, चलो। ओ केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर, यहां वहां सारे जहां में होगा क्या केमिकल रिएक्शन का चलवा, क्या होगा यहां वहां सारे जहां में होगा क्या केमिकल रिएक्शन का चलवा। बेटा ये एक शिप है, हार्बर पे पड़ी हुई एक शिप है, आप देखो तो वो करोड़ हो चुकी है,
ठीक है, वो क्या हो गया, उसमें करोशन हो गया है, उसमें रस्टिंग आ गई है, वो सड़ गई है, वो बिगड़ गई है, उसका मेटल खराब हो गया है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्या, अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई रेमेडी होगा, इसका कोई इलाज होगा। बेटा सालों से, ठीक है, सालों से लोग इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसका इलाज है बट थोड़ा महंगा है, मतलब थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा महंगा भी है। महंगा होता है तो बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, ये शिप जो हार्बर में पड़ी, ये किनारे पड़ी हुई है, ठीक है, वो रस्ट हो चुकी है, वो बिगड़ गई है। ठीक है, इसी तरह आप अगर देखोगे तो आप अगर कहीं से जा रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल कहीं से आज जाओ, ठीक है, आज निकलो बाहर, तो देखना आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें ब्राउनिश रेड कलर की हो गई होगी। कौन से कलर की हो गई होगी? ब्राउनिश रेड कलर की हो गई होगी। तो भाई वो क्या, क्यों हो जाता है सर, कोई रीजन तो बताओ कि ब्राउनिश रेड कलर का क्यों हो जाता है। और सर ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है तो भी मैंने देखा है मैक्सिमम जो ये चीजें होती है वो आउटर एटमोस्फियर या घर के बाहर होती है। घर के अंदर तो क्या है कि आप लोग उसका ध्यान रख लेते हो, घर के अंदर भी होता ही है, बिल्कुल होता है, स्मॉल प्रपोर्शन में होता है, लेकिन उस पर उसकी रिमिडीज जो है वो यूज हो जाती है। तो ये जो ब्राउनिश रेड कलर का रस्टिंग हो गया, ये जो कोरोजन हो गया आपका, ठीक है, ये भी तो बेटा एक टाइप का आपका क्या है, ये भी तो एक टाइप का आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। डन, मैं परफेक्शन में मानता हूं। ओके डन, तो ये भी आपका एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो आप सोच रहे हो यार ये तो 20 रुपए के मिल्क से लेके इतनी बड़ी बड़ी शिप भी पकवा देती है, और मैंने सुना यार सर ये मतलब पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव ही काम आता है या नेगेटिव काम आता है, क्या होता है यार केमिकल रिएक्शन। चलो इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखा, इसमें आपको नेगेटिव दिखा, अब खाना बना रहा है, ठीक है, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन तो कहीं ना कहीं तो बेटा यूज होता ही होता है खाना बनाने में। देखो ये तो यार मतलब गुजराती हूँ, ठीक है, तो ये तो घुघरा बना रहा है, ठीक है, ये क्या है, घुघरा बना रहा है, ठीक है, तो वहां पे केमिकल, यहाँ पे देखो स्टीम जा रही है ऊपर, स्टीम तो नहीं बोल सकते, हीट जा रही है ऊपर, देख रहे हो वहां पे केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, चाइनीज बेल जैसा लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो गया, ये भी केमिकल रिएक्शन हो गया, ये भी केमिकल रिएक्शन हो गया। तो आपकी बुक में, आपकी बुक में सबसे पहले दिया हुआ है कि भाई सुबह जो मिल्क लेते हैं वो खराब हो जाता है, बाद में जो फूड होता है वो केमिकल रिएक्शन है, वो फूड को डाइजेस्ट करना एक केमिकल रिएक्शन है, हम जो रेस्पायरेशन करते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, आयन तवा या पैन जिसमें ये खाना बनता है वो भी करोड हो सकता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो अभी की बुक की जो पहली 5 लाइन थी वही मैंने एक्सप्लेन की, लेकिन थोड़ा यूनिक तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा डिफरेंट वे से। देखो कंटेंट तो बुक का ही होता है, ठीक है, कोई बुक ऐसी नहीं होती जो कंटेंट वाली नहीं होती, सारी बुक में जोरदार कंटेंट होता है क्योंकि उनके ऑथर जोरदार होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करना, उसको समझना कैसे, वो अपने हाथ में होता है। क्योंकि अगर इस लेक्चर के बाद आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में हो जाना चाहिए, आपको केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व करने का मन हो जाना चाहिए, आपको चारों तरफ केमिकल रिएक्शन ही देख रहे हैं। ऊपर बैठी जो ये ट्यूबलाइट है, जो मुझे ऐसे दिख रही है, जो कभी कभी लो होती है, कभी कभी हाई हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट, जो हम फिजिक्स में इसी साल पढ़ने वाले, वो है वो, या फिर ये ऊपर फैन जो चल रहा है, या फिर वो जो ऑक्सीजन, मतलब सॉरी यार ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों आ जाता है बीच बीच में, कोरोना का असर दिख रहा है, है? कि ऑक्सीजन 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 नहीं, मुझे नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहां पे पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर भी इसी का, चिल्ला चिल्ला के मुझे बोल रहा है कि भाई मैं भी एक केमिकल रिएक्शन हूं। चलो आपका जो हार्ट है जो आपको पंप करके दे रहा है ब्लड, ठीक है, ब्लड पंपिंग मशीन इसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ इसको मैं, ब्लड पंपिंग मशीन। तो बेटा आपका जो ये ब्लड पंपिंग मशीन, मतलब कि आपका जो ये हार्ट है उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपकी रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर आपके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, आई ना बस, यस
तो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटर। सर आप ब्रांड एम्बेसडर हो क्या केमिकल रिएक्शन के? नहीं बेटा, मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, मैं आपको सोचवा रहा हूँ, मैं आपको समझवा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई सारी जगह ये डाइजेस्टिव का ले लो या सर्कुलेटरी का ले लो, एक्सक्रीटरी ले लो या फिर नर्वस ले लो, रेस्पिरेटरी ले लो या कुछ भी, सारी जगह पे, हर एक जगह पे बच्चों केमिकल रिएक्शन होता है। बिल्कुल ऑन अ सीरियस नोट, अब एक एकदम सीरियस नोट पे सुनो बड़ा, पूरी दुनिया में अगर आप बहुत सारी चीजें देखोगे, एक एक चीज को अगर विजुअलाइज करने की सोचोगे, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन आपके आजू बाजू रहने वाली थोड़ी बहुत चीजों को विजुअलाइज कर दोगे, समझोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी स्लाइड्स में, मैंने अपनी सारी चीजों में आपको यही, अगर मैं आपको बताता कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है, ऐसा बनाओ उसको केमिकल रिएक्शन, तो यार क्या सोचते तुम लोग यार, और एक टीचर आ गए जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं छोड़, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब आपको लगा कि नहीं भाई, अब मेरे को लगता है कि आई एम प्रो एट केमिकल रिएक्शन। और जब तुझे लगता है मेरे ब्रो कि तू प्रो है, तो तू नीचे हो जाएगा जल्दी। तो मेरे ब्रो तू प्रो नहीं है, फटाफट से देखता रहे, ठीक है। Yes. अच्छा, अब how do we know कि भाई केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? सर मेरे को बताओ यार, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो बड़ा बहुत ही सिंपल लॉजिक से पता चल जाएगा, तेरी आंखों से, तेरे सिक्स सेंस जो होती है तेरी, ठीक है, तेरी जो सिक्स सेंसेस होती है, अपन जो बोलते हैं ना छह इंद्रिया, फाइव सेंस प्लस वन, ठीक है, इसी से पता चल जाएगा। चेंज इन स्टेट, इसके अलावा भी मैं थोड़ी बहुत क्वालिटीज बताऊंगा कि स्टेट चेंज हो जाता है, कि भाई सॉलिड है तो वो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो सर वो गैस हो जाता है, ठीक है। तो उससे पता चला केमिकल रिएक्शन हुआ, सॉलिड वाली चीज लिक्विड हो गई, लिक्विड वाली चीज गैस हो गई। बेस्ट एग्जाम्पल इसका आइस, H2O, दैट इज वाटर, ये भी H2O ही है ना, लेकिन सॉलिड में, ये लिक्विड में, और यहाँ पे H2O जो है वो स्टीम के फॉर्म में है, तो वो क्या हो गया, गैस। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, चेंज इन स्टेट, ये क्या हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया, क्या हो गया, चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड भी तो होता है सर, लिक्विड से सॉलिड भी तो होता है सर, गैस से सॉलिड भी तो होता है सर, और सॉलिड से गैस भी तो होता है। बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटी, 1/6 प्रोबेबिलिटी, 1/6, सर आप तो स्मार्ट हो, मैथ्स बोल रहे हो, अरे यार चल, चेंज इन स्टेट, बराबर है कि स्टेट को चेंज, आसाम से बिहार चले जाना है, बिहार से गुजरात आ जाना, गुजरात से कोटा आ जाना, और मतलब कोटा कहां पहुंच गया, राजस्थान आ जाना, राजस्थान से कर्नाटक आ जाना, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट, चाय बाय पी ले बेटा, चेंज इन स्टेट मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, और गैस से सॉलिड। तो ये बेटा होता है आपका चेंज इन स्टेट। अब मैं आपको बताऊंगा चेंज इन कलर के बारे में बेटा, चेंज इन कलर कैसे, चेंज इन कलर मतलब आपने पानी के अंदर कुछ डाल दिया पाउडर और उसको मिक्स कर दो तो चेंज इन कलर हो जाता है। आपका रूअब्जा डाल दिया, आपने टैंग डाल दिया, आपने ग्लूकोज डाल दिया, आपने कुछ भी डाल दिया, ठीक है, पानी के अंदर कुछ भी डाल देते हैं तो भाई चेंज इन कलर हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन के अंदर हम कुछ भी चीज डाल देते हैं तो बेटा वो क्या हो जाता है, चेंज इन कलर। और यहाँ पे हम भी जो है वो कलर को चेंज कर रहे हैं, मेरे फेवरेट कलर ब्लू कलर पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, चेंज इन कलर। तीसरा क्या होगा बेटा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जो गैस है ना अगर दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी उसके साथ गैस जो है वो रिलीज होती है, गैस जो है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, मतलब कि एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। तो ये हम लोग नेक्स्ट मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में जब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब अपन बताएंगे कि भाई एक्सो क्या होता है, एंडो क्या होता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद बेटा हुआ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज आ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर का चेंज आ जाता है कि भाई अलग अलग टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन होते हैं।
अगर मान लो कि भाई H2O है तो वो एक अलग टेम्परेचर पे, आइस बन के है तो अलग टेम्परेचर पे था, H2O बन के है तो वाटर बन के है तो अलग टेम्परेचर पे था, गैस बन के है तो अलग टेम्परेचर पे था। इसके अलावा आप जो है वो चेंज इन टेस्ट ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। सारे में नहीं होता है, एक्सेप्शंस या फ्यू में अगर मैं बोलूं तो ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, चेंज इन टेस्ट, ठीक है, टेस्ट चेंज हो जाता है। खट्टा हो गया है मम्मी दही, ये दही नहीं खा सकते, इसकी छाछ बना दो, गुजरातियों की फेवरेट, ठीक है, कि ये दही खट्टा हो गया इसकी छाछ बना दो, गॉड लेवल चीज है, बहुत मजा आती है। पिज्जा हो या पकोड़ा, छाछ हमारे पीवा चाहिए, ठीक है, पिज्जा या पकोड़ा हमको तो छाछ चाहिए ही चाहिए, स्पेशली मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, चेंज इन टेस्ट हो गया, ठीक है, कि भाई चेंज इन टेस्ट, टेस्ट चेंज हो जाता है। बहुत बार बासी खाना हो जाता है, फूड स्टेल हो जाता है, फूड बिगड़ जाता है, तो वो चेंज इन टेस्ट है, ठीक है। अच्छा बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई चेंज इन स्मेल भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शन केस है, या फिर चेंज इन स्मेल भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अ मतलब ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, या कभी कभी आने लगती है, बास आने लगती है, या मतलब एक गंदी स्मेल आने लगती है, ठीक है, ऑर्डर बिगड़ जाता है। केमिस्ट्री में उसको ऑर्डर बोलते हैं जो स्मेल को, बट सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो चेंज इन स्मेल हो जाता है, खराब बास आने लगती है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। कमॉन, सुन रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे मैंने ऐड करवाई कि टेस्ट भी चेंज हो सकता है और स्मेल भी चेंज हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए ये तो मेन है ही, इतना पार्ट तो, लेकिन ये दोनों आप अगर ऐड कर लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है किड्स, बराबर है। ओके, ABC ऑफ केमिकल रिएक्शन, चल बताता हूं तुम लोगों को ABC, एनीबडी कैन नो, नहीं एनीबडी कैन डांस, नहीं एनीबडी कैन नो ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज हो सकता है या केमिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज है वो हमें आई से देख पाते हैं, केमिकल चेंज है वो हमें आई से दिखता नहीं है, हम उसको अपनी आंख से देख नहीं सकते, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, एकदम छोटा होता है, वाइल ये जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वाइल ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, थोड़ा जो है वो दोस्त छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज हो गया, दूसरा जो हो गया वो केमिकल चेंज हो गया। उसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूँ चेंजेस में, फिजिकल चेंज तो आप देख लो कि भाई पिछले में ही देख लो, तो चेंज इन स्टेट भी एक फिजिकल चेंज था, चेंज इन कलर भी एक फिजिकल चेंज था, इवोल्यूशन ऑफ गैस फिजिकल, मतलब दिखता नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन फिजिकल चेंज है। चेंज इन टेम्परेचर येट टू बी डिस्कस, मतलब नहीं बता सकते ना बिल्कुल ऐसे। चेंज इन टेस्ट तो पता चल सकता है, स्मेल पता चल सकता है, फिजिकल चेंज मतलब अपन को दिख जाए कि भाई इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसका टेम्परेचर चेंज दिखता नहीं है, लेकिन मतलब थर्मोमीटर से दिख जाएगा, थर्मोमीटर से माप देंगे, बाकी टेम्परेचर तो दिख के नहीं बोल सकते कि ये पानी को मत छूना, मेरी आंख ने बोला ये 100 डिग्री सेल्सियस से बोल, ऐसा नहीं, ठीक है। मेजर कर सकते हैं, अल्टीमेटली मेजर कर सकते हैं अपन इसको, बराबर है। केमिकल चेंज किस में होते, तो भाई केमिकल चेंज एटम हो गया आपका, यहाँ पे देखो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये मेजरली पता चल गया। केमिकल चेंज में क्या होता है, आपके एटम्स होते हैं, आपके आयंस मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है। हाँ भाई तुम लोग मत बोलना सर न्यूट्रॉन नेगेटिव होता है, हमें आज पता, बेटा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव का खाली किया हुआ है, ठीक है। तो एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का जो चेंज होता है ये ऐसे ही एरो दिए हुए हैं, ठीक है। एटम्स का चेंज, आयंस का चेंज, मॉलिक्यूल्स का चेंज जो होता है बेटा उसको बोला जाता है केमिकल चेंज, वाइल सॉलिड लिक्विड और गैस फिजिकल चेंजेस होते हैं। कभी सॉलिड है तो इट हैज डिफाइनाइट शेप, यहाँ पे अगर देखो तो ठीक है डिफाइनाइट शेप नहीं होता, डिफाइनाइट ये देखो डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वॉल्यूम, यहाँ पे इनडिफाइनाइट शेप होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, यहाँ पे दोनों इनडिफाइनाइट होता है, ना शेप पता है ना वॉल्यूम पता है। सॉलिड हार्ड होते हैं, लिक्विड थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब फ्लो कर सकते हैं, कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पुट, किसी भी मतलब पानी देखो सी मतलब बॉटल में डालो तो वैसा हो जाता है, तपेली में डालो तो वैसा हो जाता है, गैस तो खैर ऐसा ही है,
सॉलिड जो होता है उसकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे ये दोनों मीडियम हो जाता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू गैस। और यहाँ पे गैसेस में ये जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और ये मिनिमम हो जाता है। क्या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम होगा, ठीक है, हैंडराइटिंग बदल जाएंगे, चिंता मत करना। ओ ठीक है, तो ये चीज है। अब सीखेंगे हम लोग क्या, तो भाई अब अपन को सीखना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, क्या MgO2 बनाता है? ऐसा रिएक्शन मैं नहीं बना रहा हूं, ऐसा रिएक्शन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या ये ऐसा बनता है? तो ये नहीं बनता है। तो इसके लिए अपन को क्या सीखना पड़ता है, बैलेंस है कि नहीं, रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो अपन को पहले तो पता होना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा सर, हमको तो पता ही नहीं। तो उसके लिए तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली केमिकल इक्वेशन। क्या पता होना चाहिए भाई कि व्हाट इज एक्चुअली केमिकल इक्वेशन। बेटा जब दो रिएक्टेंट है, अरे सॉरी हाँ, ये देखो, हाँ जब दो रिएक्टेंट है मतलब दो चीजें जब आपस में मिलती है, मान लो ये एक केमिकल है ये दूसरा केमिकल है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं या सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, वो जब रिएक्ट करते हैं तो कोई नई प्रोडक्ट बनेगी, कोई चीजें बनेगी। मतलब अगर दो चीजें मिक्स होती है तो क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। अगर दो चीजें कहीं पर मिक्स हो जाएगी तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर पानी को सॉल्ट के साथ मिलाओ तो खारा पानी बन जाए, अगर पानी को अगर स्वीट के साथ किसी खांड के साथ मिला दो, किसी मतलब शुगर के साथ मिला दो, तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर वाटर बन जाएगा। मतलब दो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। एक प्रोडक्ट भी बन सकती है, दो भी बन सकती है केमिकल रिएक्शन में आगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है आपकी राइट हैंड साइड। देखो ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट साइड है तो राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट को बेटा सबस्ट्रेट भी बोला जाता है, रिएक्टेंट को क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट भी बोला जाता है। और जिस साइड ये एरो हो, इस तरह का अगर जिस साइड एरो हो, उसका मतलब है उस साइड प्रोडक्ट है, और उसके ऑपोजिट साइड क्या है, उसके ऑपोजिट साइड रिएक्टेंट है। तो जब बेटा दो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वन और रिएक्टेंट टू मिल रही है तो तब भी कुछ नहीं, प्रोडक्ट बन रही है। अगर सम ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि LHS और RHS सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब कि ये रिएक्शन बैलेंस होगा। और अगर अगर सुन लो कि भाई ये रिएक्शन जो है LHS जो है वो नॉट इक्वल टू RHS निकलता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड है तो भाई मतलब दोनों साइड सेम है तो भाई बैलेंस, अगर नहीं है तो भाई अनबैलेंस्ड, बराबर है। तो ये मैग्नीशियम और O मिल रही है तो क्या बन रहा है, तो कि MgO2, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। एक Mg एक ऑक्सीजन, एक Mg दो ऑक्सीजन, कैसे, हवा में से आया क्या ऑक्सीजन, हवा में बहुत होता है पर ऐसे आता नहीं है, ठीक है। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबिन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स यू MgO, ठीक है, क्या देता है बेटा वो आपको MgO, ठीक है। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को स्केलेटल रिएक्शन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, मेरे ख्याल से 1.1 एक्टिविटी है आपकी बुक में, कि भाई मैग्नीशियम रिबिन को इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये एक बर्नर है और ये मैग्नीशियम रिबिन है आपकी बड़ी सी, ठीक है, उसको जब मैं बर्न करता हूँ फ्लेम में तो वाइट कलर का पाउडर गिरता है जिसको बोला जाता है MgO, क्योंकि Mg तो यहाँ पे है, ऑक्सीजन एयर में से लिया, MgO बन गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये बात सबको दिमाग में बैठ रही है, दिल में बैठनी चाहिए, दिमाग में तो सबके बैठते ही। चलो फटाफट अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बैलेंस कैसे करते हैं, अब देखाता हूँ। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, पहले तो ये रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट टू गिव्स प्रोडक्ट वन प्लस प्रोडक्ट टू, अगर ऐसी कोई चीज हो तो उसका मतलब है बैलेंस। अगर ये
LHS is not equal to RHS हो जाता है, तो उसका मतलब है unbalanced reaction है, वो reaction balance नहीं है भाई, बराबर है, ये चीज हमेशा गांठ बांध लेना। इसको बोला जाता है reactant side, इसको बोला जाता है product side, बराबर है, okay। बीच में यहाँ पे बेटा कभी ऐसे सिंबल भी देखोगे, कभी HG, PT, NI, PD ऐसा भी देखोगे, तो ये सारे रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए होते हैं कैटलिस्ट। ये हम इंडिविजुअली टॉपिक इसी स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले कि व्हाट इज कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटेलाइजिस, व्हाट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलाइजिस, नेगेटिव कैटेलाइजिस, बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स, बड़ा सा टॉपिक, छोटे में बताऊंगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बनता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन करवाना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल कंडीशन, कोई इंटरनल कंडीशन, कोई हीट देके, कोई प्रेशर देके, कोई पीटी पीडी एनआई एचजी कुछ भी देके करवा सकते। लेकिन अगर इनका सम और इनका सम सेम हो तो उसको बोला जाता है बैलेंस। तो अब उसको बैलेंस कैसे करवाए, तो आपकी बुक में दिए हुए 7 स्टेप्स टू बैलेंस, अब आया ध्रुविल सर का जुगाड़। ध्रुविल सर ने क्या किया, डीएम सर के 3-स्टेप मेथड, और ये प्रूवन 3-स्टेप मेथड है, ठीक है, बच्चे इसको 11th में रेडॉक्स में भी लगा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता, आपका और मेरा सीक्रेट। अच्छा मैं अभी कैसा हूँ, यूट्यूब पे सीक्रेट बता रहा हूँ, बोलो। वो भी अनअकैडमी की चैनल पे, जो इतनी सारी व्यूअरशिप है इनकी, ठीक है। तो 3-स्टेप मेथड, पहले तो रिएक्शन को एनालाइज कर लो, ठीक है, वो मेथड नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबस्ट्रेट को पकड़ लो, सबस्ट्रेट का टोटल निकाल लो, दूसरी साइड से प्रोडक्ट का टोटल निकाल लो, ठीक है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का टोटल निकाल लो। अब देखो जुगाड़ करने का, भाई मान लो इसके अगर एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक हो रहा है और यहाँ पे दो हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी है कुछ एक्स्ट्रा एड बैड करके, एसिड बेस कुछ डाल के, एच प्लस आयन या ओ एच माइनस डाल के, या H2O जगत जमादार पानी, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मैजिक सॉल्वेंट, यूनिवर्सल लिक्विड, ये कहीं पे डाल के कुछ जुगाड़ बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, ओके, ठीक है। अगर बैठ रहा है तो उसको बैलेंस करवाने में हेल्प करो, किसकी मदद से, तो मैंने आपको 3 दोस्तों के नाम बता दिए, एसिड एच प्लस ओ एच माइनस बेस H2O पानी, एम्पोटेरिक एसिड के साथ बेस जैसा, बेस के साथ एसिड जैसा, जिसमें डालो, जिसमें मतलब सोडा के साथ भी चलता है और सब चीजों में, चाय के साथ भी चलता है, आप क्या समझ रहे थे, ठीक है, तो सबके साथ चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल, मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन करवाने के स्टेप है। तीसरा देख लो कि भाई अगर वो एड करवाने के बाद यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल सेम हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो फिर ठीक है बैलेंस है। अगर वो ऐड करवा, देखो दूसरे स्टेप से ही पता चल जाएगा, पहले तो यहाँ का टोटल निकाला, यहाँ का टोटल निकाला, ठीक है, एक टेबल आपकी बुक में ऐसा टेबल बना के दिया है, आप यार बड़े हो जाओगे, छोटे छोटे रिएक्शन अपन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल अगर सेम हो रहा है तो फिर ठीक है ना, बात खत्म, बैलेंस है। अगर नहीं हो रहा है तो सेकंड स्टेप पे जाओ कि भाई H प्लस ओ एच माइनस एच टू ओ करके कुछ बैलेंस कर सकते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं, तो करो बैलेंस। अगर नहीं कर सकते हो ऐसी कोई, मतलब यहाँ पे दोनों साइड देख लेने के, मेजोरिटी ये होते हैं, बाकी अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब डालते हैं लोग, ठीक है। तो अगर ये लोगों ये डालने के बाद पता चल जाता कि ठीक भाई ये बैलेंस है, तो ठीक है भाई है, तो फिर क्यों दिक्कत है, तो डाल दो। अगर मान लो कि नहीं है, अगर मान लो ये डालने के बाद भी नहीं हो रहा है या ये डल ही नहीं रहा है, तो छोड़ो ना भाई, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड, तो फिर कौन उसमें मेहनत करने जाएगा, हाँ, तो दोनों साइड का टोटल चेक करने की बात ही नहीं आएगी। अगर पहले स्टेप में टोटल हो जा रहा है तो काम खत्म करो, दूसरे स्टेप में मेहनत करोगे कब, जब पहले स्टेप में नहीं हो रहा है, कि कुछ H प्लस ओ एच माइनस कुछ ले दे के खत्म करते हैं, बात यहीं पे खत्म करते हैं, झगड़ा क्यों बढ़ाए, हम लोग तो सादे सीधे लोग, ठीक है, तो करो। अगर नहीं हो रहा है तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अगर होगा तो फिर फाइनल स्टेप में चेक करोगे भाई टोटल है कि नहीं, हो रहा है तो बात खत्म, आप भी राजा हम भी राजा, करो मजा, है आप भी राजा मैं भी राजा, करो मजे, ओके, लेट्स प्रैक्टिस, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यार ये तो मेरे को भी नहीं आता, चेक करते हैं, चलो एक एक करके, कहाँ गया कर्सर, हाँ, एक एच दो एच, ओ माय गॉड, एक एन एक एनओ थ्री, ओ चलो बच गए, एक एनओ थ्री, एक सी ए एक सी ए, ओके, ओ एच टू
क्या करूँ यार, पता ही नहीं चल रहा क्या करूँ। एक सी ए चलो कट करा, NO3 चलो कट करा, बट सर यहाँ पे तो दो है, यहाँ पे तो एक है, कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसीलिए तो बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ठीक है। थोड़ा बेसिक पे ले जाता हूँ, रुको। H2O, H plus, plus OH minus, ये बैलेंस है कि नहीं, ये पहले चेक करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई ये बैलेंस है कि नहीं। यार एक तो ये माउस पे हाथ नहीं छूना चाहिए है। देखो अब इन्हीं इक्वेशन को चेक करवाता हूँ। एक एन ए, दो एन ए, एक ओ, चार ओ, अच्छा ये एसओ फोर, ये एसओ फोर, चलो ऐसे ले ले। एक एन ए टू, यहाँ पे एन ए यार, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे, कैसे करेंगे? मतलब समझ में ही नहीं आ रहा सर, इसको तो मतलब हो ही नहीं सकता ना, ये तो मतलब हो ही नहीं रहा है सर। आप जो कर रहे थे ठीक है, उस हिसाब से तो हो ही नहीं रहा है, कट करने के हिसाब से। बड़ा ये मेथड से नहीं करना है, अब सीधे सीधे ले जाता हूँ अपनी वाली मेथड पे, ठीक है। अब आप देखो कि भाई दो चीज़ें हैं, ये वाली है सारी LHS, ये वाली है सारी RHS। तो भाई NaOH है तो अब सिंपल लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे Na एक है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे मुझे एक Na ऐड करने पड़ेंगे। तो भाई चलो मैंने पहले यहाँ पे दो लगा दिए, चलो अब देखो तो कि भाई अब यहाँ पे H2SO4 है, अब यहाँ पे H2 है तो के है, SO4 है तो के है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, तो कि भाई यहाँ पे H2 और 3H है, तो यहाँ पे कैसे बैलेंस होगा? तो पहले देखो 2Na, यहाँ पे Na, तो यहाँ पे H2 मतलब 2H और 1O, तो H2O है, तो ओके यहाँ पे हो जा रहा है सर। SO4 तो भी सर ये H2 बच रहा है, तो अब क्या करें, तो अब क्या करें? तो बेटा इसके लिए स्पेशल अपन लोग क्या करने वाले, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेशली मैं एक लेक्चर रखने वाला हूँ। स्पेशली आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो है वो टेक्स्ट बुक में से और अच्छे अच्छे लास्ट ईयर के पेपर्स में से मैंने लिख के दिए, ये चार इक्वेशन को निकाल दिया तो ईजिली जितना भी है वो निकाल पाओगे। अब कैसे, तो पहले तो चारों चार देखते हैं, पहला और दूसरा तो सर हमको हार्ड लगा, आपको भी हार्ड लगा ना, मेरे को क्या। अब देखो तीसरा, एक एन ए, एक एन ए, एक सी एल, एक सी एल, एक ए जी, एक ए जी, एक एन ओ थ्री, एक एन ओ थ्री, सर ये तो कुछ हो रहा है। अरे बेटा मैंने इसको आयन में सेपरेट कर दिया, क्या किया मैंने इसका पता है तुम लोगों को? देखो NaCl AgNO3 है, ठीक है, तो जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं पढ़ाऊंगा। तो देखो बेटा ये एक Na जो है वो यहाँ पे चला गया, मारो इसको चौकड़ी, यहाँ पे एक Cl था, यहाँ पे एक Cl था, ये Ag था, ये Ag था, एक NO3 था, एक NO3 था, सर ये तो बैलेंस्ड है, तो क्यों बैलेंस करने के पीछे पड़े हो? तो यही बात है कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले स्टेप में ही दिख जाता है, जैसे BaCl2H2SO4, तो BaSO4, यार यहाँ पे 2Cl, यहाँ पे 2H, यहाँ पे HCl, सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे दो लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो देखो कैसे, पहले दो में तो अपन सर पीछे पड़ गए थे, मतलब पता ही नहीं चला क्या करना था, यहाँ पे तो वैसे ही पता चल गया। कैसे पता चल गया कि देखो ये BA था, ये BA था, कट हो गया, ये SO4 था, ये SO4, हमेशा बड़ी चीजें पहले कर लो ना, बाद में छोटी चीजों को रखो। पहले स्टेप में देखो कि हो रहा है, हाँ हो जा रहा है, काम खत्म। दूसरे स्टेप में अपन क्या ऐड करेंगे कि भाई यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो यार HCl तो पड़ा हुआ है, सिर्फ मैं अगर यहाँ पे दो लगा देता हूँ तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो ये सर ये मैंने भी बैलेंस कर दिया। अब देखो तीसरे पे ले जाता हूँ, अरे सॉरी दूसरे पे ले जाता हूँ, फिर पहले पहले जाऊंगा कि NaH2SO4, तो Na2SO4 और H2O, ओके सर अब कैसे करेंगे? तो क्या भाई SO4 कट, सर यहाँ पे 2H है, यहाँ पे भी 2H, कर सर यहाँ पे एक O है, यहाँ पे OH है, मतलब एक O है, तो सर ये एक H और एक Na जो है बच रहा है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे 2NaOH लगा दूँ तो 2Na2, यहाँ पे क्या हो गए 2H और 2O, तो 2H 1O, बराबर है। SO4 SO4, H2 था वो H2,
रिएक्शन हो गया बैलेंस। मैंने ऐसे खाली क्या किया, टू लगाया, देखो यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया। कैसे लगाया कि भाई ये एन ए था, ये एन ए था, यहाँ पे दो एन ए है तो यहाँ पे मुझे टू एन ए करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ओ एच है, बराबर है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो ओ और दो एच, मतलब टू ओ एच आयन हुए, यहाँ पे एच टू एस ओ फोर हुआ, तो यहाँ पे एच टू एस ओ फोर हुआ, तो ये एस ओ फोर, ये भी एस ओ फोर। फिर से सिखाऊंगा, प्रैक्टिस में चिंता मत करो, ये एच टू और ये एच टू, बराबर है। अब क्या करना रहा, सर एक ही ओ है तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे टू लगा देना चाहिए। अब देखो दो एन ए, दो एन ए, दो ओ एच, टोटल कितने ओ हुए, मतलब टोटल यहाँ पे कितने एच हुए, टू और टू फोर, तो यहाँ पे टू और टू फोर, कितने ओ है यहाँ पे, दो, यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पे कितने एस ओ फोर है, एक, यहाँ पे कितने एस ओ फोर। मैंने क्या किया, दोनों साइड इक्वल किया। नहीं समझो फिर से समझा देता हूँ, देखो मैं खुद नहीं समझा था पहली बार में, तो है मस्ती कर रहा हूँ। देखो ये दोनों तो फर्स्ट स्टेप में ही पता चल गया, यहाँ पे ऐड करना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉब्लम की जड़ पे जाओ, यहाँ पे दो, दो पहले ही दो लगा देने पड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो लगा दो, दो एन ए, दो एन ए, एस ओ फोर, एस ओ फोर, चलो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे दो ओ है, दो एच है, और यहाँ पे दो एच है, तो अगर यहाँ पे दो ही एच है, यहाँ पे टू लगाऊं तो टू टू जा फोर, यहाँ पे दो ओ है, पहले एक ही था, अब ये टू ओ हो गया, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखते सी एन ओ थ्री, सी ए पकड़ो, सी ए पकड़ो, एन ओ थ्री टू, एन ओ थ्री टू तो है नहीं, ठीक है, तो सर अब क्या करेंगे, ओ एच टू है, यहाँ पे दो लगाने की ट्राई करो। कैसे करेंगे, तो कि सर यहाँ पे मैंने दो लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे दो लगाओगे तो अब कहाँ पे सर बैलेंस करने की ट्राई करेंगे, दो एच दो एन ओ थ्री, चलो दो एन ओ थ्री हो गए, सी ए हो गए, दो एच रहे, ठीक है, दो एच रहे, और यहाँ पे तो ओ एच टू है, सर फिर से फंस गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टू एच टू लगाने की ट्राई करो, सर फिर से फंस गए, कहाँ फंसे, अब तो हो गया ना रिएक्शन बैलेंस, तो फिर ठीक है नीचे वाले के जैसे ही कर दिया, ये चारों टेक्स्ट बुक के थे। माइंड मैप ऑफ टुडेज लेक्चर, माइंड मैप क्या होगा टुडेज लेक्चर का, ठीक है, तो माइंड मैप तुम लोगों का कुछ इस तरह से होगा कि भाई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो कि भाई दो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट बनाते, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, ये बैलेंस्ड होता है तो दोनों साइड इक्वल होती है, ये अनबैलेंस्ड होता है तो दोनों साइड अनइक्वल होती है। तीन स्टेप में करना है, पहले चेक करो कि भाई एल एच एस वाला पार्ट और आर एच एस वाला पार्ट इक्वल है, तो क्या है, नहीं है, तो जैसे हमने इन दोनों इक्वेशन में किया और यहाँ पे किया, क्या किया हमने वहाँ पे एच प्लस ओ एच माइनस या फिर एच टू ओ को ऐड किया, देख लेना क्या ऐड किया मैंने यहाँ पे, कहीं ना कहीं कहीं पे भी क्या ऐड किया, नंबर में भी क्या ऐड किया H2O, यहाँ पे भी क्या ऐड हुआ H2O, यहाँ पे भी क्या ऐड हुआ H प्लस, तो हुआ ही हुआ HCl के केस में भी, तो मतलब चेक कर लो ना कि एसिड वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट है कि वाटर वाला पार्ट है। तीसरा क्या चेक करोगे कि वो करने के बाद चीज बैलेंस हो रही है, अगर वो करने के बाद भी बहुत सारी चीजें बैलेंस नहीं हो रही तो उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन को वाइडा है, उसको अनबैलेंस्ड ही रहना है, ठीक है। रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, वो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, उसमें फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन स्टेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखी जाती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। बाद में मैंने दो आपको चीज़ें बताई कि भाई चेंज इन क्या होना चाहिए, तो क्या सर चेंज इन स्मेल हो जानी चाहिए या चेंज इन टेस्ट हो जाना चाहिए, जो कि अपने सिक्स रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बराबर है। तो ये माइंड मैप है आज के लेक्चर का। चलिए क्विज कर लेते हैं, ठीक है, क्विज कर लेते हैं। ओह माय गॉड, किसको मार दिया इसने, चल राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपके लिए, ठीक है, 30 सेकंड्स मिलेगी आपको क्विज के लिए, ठीक है। आपकी और मेरी फर्स्ट क्विज, आपके सामने इस सीजन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 30 सेकंड का टाइमर। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, चूने का पानी। फटाफट बच्चों ये हो जाना चाहिए यार, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, है
मुझे तो पानी पी लेने दो। ओके, टाइम अप्स, टाइम सम। चल तो क्या होता है भाई, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CaCO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CaCO3 प्लस H2O। तो देखो भाई ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, आपको और 10 सेकंड दे रहा हूँ, चेक वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। भाई मेरा पानी किधर है, पानी किधर है, ओके। तो बेटा ये जो होता है इसमें अपन को चेंज इन स्टेट भी लिखने पड़ते हैं कि ये एक्वस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये भी अपन को लिखने पड़ते हैं, बराबर है। हाँ बेटा मुझे पानी की बोतल, कोई नहीं, चलो आपकी अभी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ही मैं पीऊंगा, फटाफट लेक्चर को खत्म करते हैं। वैसे आई होप 1 घंटे मतलब हो गया है, तो लेट अस जस्ट कंप्लीट इट विद टाइम, ठीक है, ओके। जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो भाई ये आपका, अरे यार 30 सेकंड्स है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 30 सेकंड्स के लिए शुरू करते हैं। ओके नहीं बाकी है, ओ माय गॉड मुझे यार टाइम नहीं जाता यार ये 30 सेकंड्स। 4, ओके स्टॉप। तो क्या होता है भाई रिएक्शन, जिंक प्लस HgNO3, अरे महंगा हो, महंगा होता है भाई आजकल, लेना मत ही, क्या हो जाएगा ZnNO3 प्लस Ag। तो सर ये आपको कैसे आता है, हमको तो आता ही नहीं है बेटा, इसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती है, टेक्स्ट बुक के सारे नाम याद रखने पड़ते हैं कि जिंक का Zn सिंबल है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag प्लस NO3 मतलब HgNO3, बराबर है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ, इसकी टोपी उसके सर, उस रिएक्शन को बोलते हैं सुंदरलाल रिएक्शन, मतलब कि Zn प्लस HgNO3, ZnNO3 प्लस Ag। ओ माय गॉड ये तो आपको करना है फटाफट 30 सेकंड्स में। चलो ये होमवर्क में ले लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो, 3 क्वेश्चंस क्योंकि 1 घंटे हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, ये वाला एल्यूमिनियम, चलो पहले ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बराबर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो भाई, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड का, Ag प्लस बोल दू क्या, CuCl2 Ag Cl2 Ag Cl प्लस Cu, इसका निकाल लो भाई, Fe2O3 प्लस 2Al Al2Fo3। ओह माय गॉड, तो यार इसमें तो क्या करना है, इसमें तो आपको बताना ही है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो यार ये तो यहीं पे कर लो, चलो फिर से 30 सेकंड लो फटाफट, मैं कर दू क्या, नहीं, ओके फटाफट करा। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री पैंट्स डाउन भाई, 2 Fe 2 Fe, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 Al 2 Al, हो गया ना भाई, बैलेंस्ड है पहले स्टेप में, अगर नहीं होता तो H+ OH-, और H2O ऐड कर दो और फिर चेक करो कि भाई बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिद्दी हो रहा है, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। चलो देखते हैं इसके बाद वाला होमवर्क होगा या करेंगे, कर लो इजी है, बैलेंसिंग तो चेक करना है, इसके बाद MCQ देंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में MCQ दूंगा बढ़िया से मस्त एकदम, जिसके आंसर आए ही नहीं मुझे, आपको तो सब आ जाएंगे ना। ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, स्टॉप,
है। कैसे पता चला सर, आप तो एक्सपर्ट आदमी, दो पीवी, दो पीवी सीओ सीओ टू, हाँ ये रहा ना दो सीओ टू, चेक कर लिया ना, बैलेंस्ड है आदमी, बैलेंस्ड है, सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपके दो होमवर्क है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला एल प्लस सी ओ सी एल टू सी एल सी एल टू, मतलब टू एल सी ओ प्लस सी ओ, मतलब ये वाला और ये वाला, फटाफट बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, मतलब बी एस सी एल टू प्लस के टू एस ओ फोर प्लस बी एस ओ फोर प्लस टू के सी एल। मैंने बोल दिया दोनों के आंसर, बट ये आपके होमवर्क है क्वेश्चन थ्री और फोर, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आप सब लोगों को मजा आई होगी, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और वो जो बेल वाला आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, तो आपके दिमाग की घंटी भी बजती रहेगी और हमें भी मजा आ जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमेशा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद कंपलसरी लाइक करना है, क्यों, क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ, आप मुझे लाइक करते हो, ठीक है, तो आपको मेरे वीडियो को भी लाइक करना है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको क्या क्या नया सीखना है, क्या क्या चाहिए, और मैं थोड़ा ज्यादा मतलब मजेदार होने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप को अवश्य डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको पता है क्या करना है, नाइन्थ और टेंथ की क्लास में अपना गोल चूज करिए, प्लस सब्सक्रिप्शन में जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी अमेजिंग टीचिंग फैकल्टीज फैसिलिटीज और सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो आप बिना भूले जाए, और मेरा कोड यूज करना मत भूलना, ध्रुविल, राइट। तो सब जगह पे हल्ला मचा दो, शेयर कर दो, मोहल्ले में सबको पता चल जाना चाहिए कि भाई हम लोग नई चैनल लेके आए, ठीक है, तो आई होप आप लोग सब ये करेंगे, ठीक है गाइस, थैंक यू, बहुत मजा आई, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ मिलके बात करके समझ के सुन के, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियोस को, हमारी पूरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, तो हम भी आपका उत्साह बढ़ाएंगे और नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक टिल देन गुड बाय, टाटा, सी यू, मिलते रहेंगे, किम चो आउचो मजा वहां, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, यस, ठीक है, यस, ओके। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी उसकी, ठीक है, अपनी पहली वीडियो है तो ये सब धीरे धीरे आएगा तो पीडीएफ भी आपकी मिल जाएगी, आपको ये डाउनलोड करने की रहेगी पीडीएफ, ठीक है, जो आपको हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मिल जाएगी, जो कि बहुत सही चीज है। तो आपको साथ ही साथ नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, सब्सक्राइब आप कर चुके हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लाइक कमेंट शेयर करिए, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप पे हल्ला मचा दीजिए और सबको पता चल जाना चाहिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करिए और मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों, रेफरल कोड है मेरा ध्रुविल, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, मिलते रहेंगे, थैंक यू।